हिंदी बेल्ट में क्या है मोदी की स्थिति, क्या हार का प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा या नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। हाल ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। यह तीनों राज्य मुख्यतः हिंदी बेल्ट में आते हैं, जहां पर पिछले कई दशकों से बीजेपी की लोकप्रियता सर्वाधिक थी, किंतु धीरे धीरे इन क्षेत्रों में बीजेपी की साख में गिरावट देखी गई है। इसके निम्न कारण हो सकते हैं। पहले राजस्थान की बात करते हैं और उसके कारणों पर चर्चा करते हैं। राजस्थान उन राज्यों की श्रेणी में है जहां हर पांच अर्थात प्रत्येक जनसभा के चुनाव में सत्ता परिवर्तन हुआ है। इस लिहाज से देखें तो बीजेपी का ही मौका बनता है, किंतु जरूरी नहीं कि ऐसा ही हर बार हो। इस विधानसभा के चुनाव में राजनीति के कई समीकरण बदले हैं, जिसके हर चरण में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अगुवाई में कांग्रेस भारी पड़ी है। भाजपा द्वारा कई ऐसे कदम उठाए गए जो उनके लिए कारगर साबित नहीं हुए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी अर्थात गुजरात लॉबी ने राजस्थान की प्रसिद्ध राजनायिका वसुंधरा राजे सिंधिया, जो मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार हैं, चुनाव फेज उनका ना होकर खुद मोदी जी ने राजस्थान में बीजेपी की अगुवाई की, जो कहीं ना कहीं जनता पर नकारात्मक प्रभाव डाला। साथ ही मोदी जी खुद भी राजस्थान में बीजेपी लहर बनाने में असमर्थ रहे। मोदी जी की सफलता के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की जनकल्याण नीतियां भी हैं, और गहलोत सरकार जनता का समर्थन पाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हुए समाज के सभी वर्गों को लाभकारी नीतियों के द्वारा आकर्षित किया है। यह योजना निम्नांकित है: महंगाई राहत कैंप, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर की उपलब्धता, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना इत्यादि के तहत समाज के उन वर्गों को लक्षित किया जिनकी संख्या सर्वाधिक है और उन्हें आकर्षित कर कांग्रेस ने अपनी दावेदारी और मजबूत की है। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले लगभग 17 सालों से भाजपा ही शासन कर रही है, और यह भी सही है कि शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू स्टेट के दर्जे से भी बाहर निकलने का प्रयास किया है और इसमें कुछ हद तक सफल भी रहे हैं, किंतु इतने लंबे कार्यकाल के दौरान भी भाजपा अपने वादों को पूर्ण ना कर सकी, जिससे जनता का बीजेपी के प्रति असंतोष बढ़ा, जिसे हम पिछले विधानसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा द्वारा कई लोक कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की गई, किंतु योजनाओं के क्रियान्वयन समय चुनाव के आसपास होने से सरकार का समाज कल्याणकारी वाली छवि धूमिल हुई और जनता को यह बात स्पष्ट रूप से समझ आई कि यह सब वोट बैंक में वृद्धि के लिए दिए गए छुट्टे पैसे हैं, जो सरकार की नाकामी पर पर्दा डालने का काम करते हैं। शिवराज सरकार द्वारा कई नई योजनाएं संचालित की गई, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहन योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना इत्यादि जन कल्याण योजनाओं द्वारा मध्य प्रदेश की जनता को रिझाने का प्रयास किया है। साथ ही प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जिनकी संख्या बल यहां सर्वाधिक है, उन्हें प्रभावित करने के लिए कहीं के समाज के महान पुरुषों के नाम पर कई योजनाएं चलाई गई, जैसे भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंचा मामा आर्थिक कल्याण योजना इत्यादि। मध्य प्रदेश में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति लागू की गई, और साथ ही निवेश के अवसरों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति एवं मध्य प्रदेश औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लागू की गई। लेकिन इन नीतियों के बावजूद भी इनका क्रियान्वयन भी धीमा रहा और रोजगार के विषय में सरकार की उदासीनता ही शिवराज सरकार की लहर को धीमा किया, जिसे मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की दावेदारी कमजोर जान पड़ती है। अब छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारे में चलते हैं, जहां कांग्रेस और बीजेपी का मूल्यांकन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की स्थिति काफी नाजुक लगती है, जिससे कई कारण हैं। प्रधानमंत्री द्वारा कई बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाए हैं, किंतु ये आरोप सिद्ध ना हो पाने के कारण कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की छवि एवं विशेषता को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिससे कांग्रेस को काफी फायदा हुआ। भाजपा द्वारा भूपेश बघेल के ऊपर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसे देश की प्रतिष्ठित सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर जांच करवाया गया, झूठ महादेव ऐप में फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी सरकार नाकाम रही। ऐसा नहीं है कि भूपेश बघेल ने कुछ नहीं किया, उन्होंने तो राजनीति के माने क्या होते हैं उसको समझने का प्रयास किया। उन्होंने जनता के समक्ष प्रत्यक्ष दरबार लगाकर उनकी मातृभाषा में बात करके उनके प्रश्नों के उत्तर देने की प्रथा का शुभारंभ किया है। साथ ही कई कल्याणकारी योजनाएं जैसे हमर सुघर लड़का अभियान, मुख्यमंत्री सक्षम योजना, मुख्यमंत्री हरियाली प्रसार योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना,
तोहर सरकार तोहर द्वार योजना, नौनी सुरक्षा योजना, छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना इत्यादि से समाज के सभी वर्गों जैसे किसान, मजदूर, व्यापारी, दलित एवं महिलाओं को लाभान्वित किया है। भूपेश बघेल की बढ़ोतरी लोकप्रियता बीजेपी के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। यदि बीजेपी इन तीनों राज्यों में हार जाती है तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ सकता है, किंतु पिछला चुनाव देख तो परिस्थितियां वैसी ही हैं, क्योंकि उस चुनाव में भी बीजेपी को इन तीनों राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था, किंतु 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा इसलिए था कि 2019 में हुए पुलवामा अटैक से देश आहत में था और भारत द्वारा बदले की कार्रवाई में लिए सर्किल स्ट्राइक कर घर के अंदर घुसकर मारना देश के लोगों में उत्साह और राष्ट्र प्रेम को जागृत किया और मोदी जी को रातों रात हीरो बना दिया गया। और उस समय लोगों में राष्ट्र प्रेम और उत्साह ने मोदी जी को 300 का आंकड़ा पार करवा दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई भी देशव्यापी मुद्दा ही नहीं है जिससे वह राजनीति कर सके। इसलिए भाजपा के लिए आगे की रात दुर्गम है, क्योंकि इन तीनों राज्यों के अलावा मणिपुर और तेलंगाना में भी बीजेपी की स्थिति गड़बड़ है। साथ ही गुजरात लॉबी द्वारा इन राज्यों के बड़े नेताओं जैसे राजस्थान से वसुंधरा राजे, सिंधिया मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को बैकग्राउंड में डाल दिया गया है। और मोदी एवं अमित शाह ने अपने आप को फ्रंट में रखा हुआ है, जो इसके हार का प्रमुख कारण हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन नेताओं में आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई है। हम कह सकते हैं कि हिंदी बोल्ट में चुनाव इस बार मोदी जी के लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि अगर वे इन राज्यों में चुनाव जितवाने में सफल हुए तो इस बार भी पुनः पार्टी में दबदबा स्थापित करेंगे, लेकिन यदि तीनों राज्यों में हार हुई तो मोदी मैजिक में प्रश्न उठना प्रारंभ होगा, क्योंकि कोई भी नेता इन राज्यों में हार की जिम्मेदारी नहीं लेगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।